समस्या को हल नहीं कर सकता और अपने आप को जब मान लिए हैं तो हमारा पार्षद दल नहीं पूरा रायपुर आज इस्तीफा की मांग कर रही है। हम इतना जानते हैं कि जो 5 साल के कार्यकाल में इन्होंने पूरे शहर को बर्बाद किया है, जनता उस सब चीज को देख रही है और आज ये बचकाना अभियान कि इस कुर्सी पे बैठ करके प्रधानमंत्री जी भी कुछ नहीं कर सकते तो वो 5 साल तक क्यों इस कुर्सी में बैठे रहे। जैसे जैसे नगरीय निकाय चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे अब नगर निगम की सियासत भी गर्माती जा रही है। आप देख रहे हैं मेरे ठीक पीछे जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं और वो यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग है कि जिस तरह से मेयर जो है यहाँ के मेयर पर एजाज डेबर उन्होंने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री भी आ जाए तो रायपुर नगर निगम की व्यवस्था नहीं बदल सकते, उससे नाराज ये भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं जो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और मेयर जो है विकास एजाज डेबर उससे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। आज आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी? वजह ये है हमारे ये महापौर अपने आप में मान लिए कि मैं किसी भी प्रकार का रायपुर की समस्या को हल नहीं कर सकता और अपने आप को जब मान लिए हैं तो हमारा पार्षद दल नहीं पूरा रायपुर आज इस्तीफा की मांग कर रही है। वो तत्काल इस्तीफा दें, कल से यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। छोटा सा महापौर, छोटा सा रायपुर को महापौर संभाल नहीं पा रहे हैं और अपने आप को बयान दे रहे हैं यहाँ कोई भी आएगा कोई नहीं कर पाएगा, ये पूरी तरह से भ्रम में है। आज भारतीय जनता पार्टी का एक सशक्त सरकार है और यहाँ जितने भी एक एक कार्यकर्ता एक एक पार्षद दिख रहे हैं सब महापौर से कम नहीं। चले चले, तो आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद पूरे गुस्से में नजर आ रहे हैं। अगर महापौर इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए, महापौर जी इस्तीफा नहीं देंगे तो आज से 6 महीने बाद चुनाव होना, जनता उनको खुद ब खुद इस पद से दखल कर देगी क्योंकि हम इतना जानते हैं कि जो 5 साल के कार्यकाल में इन्होंने पूरे शहर को बर्बाद किया है, जनता उस सब चीज को देख रही है और आज ये बचकाना अभियान कि इस कुर्सी पे बैठ करके प्रधानमंत्री जी भी कुछ नहीं कर सकते तो वो 5 साल तक क्यों इस कुर्सी में बैठे रहे। जब उनकी सोच ऐसी थी कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था और आज हम उसी इस्तीफे को लेकर के यहाँ पे मांग कर रहे हैं। चलिए, तो काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं और इनका कहना है, हालांकि इसको लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। इस मामले में जो दीपक बैज उनका भी बयान आया और उनका यह कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी की नाराजगी एक राजनीति है उसके तहत हो रहा है। अब ये देखना है कि ये जो बयानबाजी है और ये जो इस्तीफे की जो मांग को लेकर जो धरना प्रदर्शन और चुनाव को लेकर जो सियासत है वो आने वाले दिनों में और कितनी गर्माएगी। इस्तीफा 5 साल के मामले में सबसे बड़ी बात यह है, कल मैंने जो बयान दिया कल शायद आप ही लोग में से उसने किसी को चलाया है, मगर वो अर्थ को अनर्थ करके चलाया गया है और मैं आज भी उस बयान पर कायम हूँ, बयान से नहीं पलट रहा हूँ कि सफाई की समस्या, पानी की समस्या ये अनवरत रहती है। सफाई आदमी जब कचरा फेंकता है तब तो सफाई करता है, पानी हम लोग डालते हैं, पानी टैंकर चलता है, पानी नल से पाइप जाता है तो पानी नहीं आता, ये समस्या अनवरत रहती है। आज भी मैं अपने बात पे अपने बयान पे कायम। दूसरी बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि इसको इस तरीके से अगर जोड़ के देना तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की ओछी राजनीति का परिचय है। अगर मेरे मन में कोई वो रहता, मेरे मन में अगर ऐसा लगता कि मैं राजनीति कर रहा हूँ तो कल मैं उन्हीं के साथ बैठ के हम लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठ के मैंने भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षदों को बुला के कल मैंने मीटिंग ली। और दूसरी चीज, कल मेरा जो बयान को तोड़ मड़ो को प्रस्तुत किया गया ये बोलचाल की भाषा था, बोलचाल की भाषा में था। दूसरी चीज, मैंने ये भी बोला नगर निगम आदमी के मृत्यु से लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक के प्रमाण पत्र देने का काम करता है और साफ सफाई अनवरत समस्या बने रहती है, चाहे साफ सफाई की बात करो, चाहे पानी की बात करो, चाहे लाइट की बात। सबसे बड़ी बात यह है, आप लोगों को एक बात को समझना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी की जब 15 साल की सरकार थी, आज सबसे बेसिक जो काम, आज आप बेस उठा के देख लो, क्या ये जो अमृत का काम है वो हमारे कार्यकाल में हुआ, किसकी सरकार में हुआ? ये भारतीय जनता पार्टी का। आज पानी के लिए लोग इतने जो परेशानी हो रही है या जो समस्या आ रही है अमृत की, आज कौन ड्राइंग डिजाइन बनाया, कौन इसके लिए जवाबदार है? दूसरी चीज, आज लाइट का आज हम लोग ESL वालों को हाई कोर्ट से बता के थक गए, आज हम लाइट वालों को हटा नहीं सकते, उसको दिया दे दिया। साफ सफाई रामकी वालों को दे दिया गया, इस तरीके का टेंडर किया कि हम उसको कुछ नहीं कर सकते। तो आप
ड्राइंग डिजाइन खुद बनाते हो, जो वहाँ पर जो हमारे दिल्ली से जो हमारे वो पास होते हैं। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सुझाव हमको देना ना भूले। और मुझे और मेरे कैमरामैन रजा गुज्जर को दे इजाजत। नमस्कार।